हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे वाई क्यू पंकज पे आज हम लोग भू आकृतिक प्रदेश यानी जियोमॉर्फिक रीजन देखेंगे ये दृष्टि का क्विक बुक जो आता है उसका है पूरा एन वाला फैक्ट उठा करके डाला हुआ है इससे पहले देश राजधानी भारत का सामान्य परिचय और दो चैप्टर ऊपर जो था वो सब करवा दिए हैं तो चलिए आज हम लोग भू आकृतिक प्रदेश पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो उँचावच की दृष्टिकोण से अलग अलग मतलब स्थलाकृति का अनोखा सम्मिश्रण है और अलग अलग अंतराल में जो भूगर्भिक हलचल हुआ था या बाहरी कारकों का मतलब सम्मिलित परिणाम ये है इसमें आगे देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये मेनली रूप से देखिए तीन भू भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो निम्न लक्षण भौतिक लक्षण पर आधारित है जैसे प्रायद्वीपीय खंड है पहला दूसरा हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएँ हैं और फिर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसमें अब आगे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले भारत का जो भू आकृतिक संरचना है इसमें देखिए उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय उत्तरी भारत का विशाल मैदान भारतीय मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह देखेंगे यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है आगे से पढ़ने को डिटेल मिलेगा उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय उत्तर भारत का विशाल मैदान भारतीय मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार तटीय मैदान भारतीय के दीप समूह तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय तो इसमें देखिए कि यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ये उत्तर पूर्वी हिमालय या उत्तरी हिमालय और जिसका निरचना जो है वो टर्सियरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुआ था ये जान लिए कि 2500 किलोमीटर फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक के अब आगे देखिए पूर्व की अपेक्षा जो है ये पश्चिम भाग से ज़्यादा चौड़ा है यानी पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है ये उत्तरी हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है और पूर्व में एक सौ साठ किलोमीटर चौड़ा है इसका मेन कारण है अभी सारी सीमांत का दबाव बल का अधिक होना इसीलिए अब आगे देखिए इस पॉइंट में क्या है कि पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा ऊंचा है यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा जैसा जो ऊंचा पर्वत चोटी है ये पूर्वी हिमालय में है यानी ईस्ट में है इधर की ओर है यहाँ पे है यहाँ पर आगे देखिए हिमालय की श्रेणी जो है वो भारत की ओर उत्तल और, और तिब्बत की ओर अवतल हो गया है ये बात याद रखिएगा प्लेट विवर्तना की सिद्धांत एक था जो हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने और दोनों प्लेटों के बीच में जो टेथिस सागर था उसके अवसाद में वलन पड़ने के कारण हुआ था यानी हिमालय कैसे बना तो ये टेथिस सागर जो है इसके कारण बना था दोनों प्लेट आपस में टकराया तो बीच वाला जो भाग था वो उठ गया और उससे हिमालय की निर्माण हुआ था उत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर अब मतलब यहाँ से पर्वत इधर की ओर जो दक्षिण की ओर आता है वो तो ट्रांस हिमालय पहला है फिर देखिए वृहद हिमालय है यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय मिलेगा फिर इसके नीचे वृहद हिमालय फिर इसके नीचे लघु हिमालय या मध्य हिमालय फिर शिवालिक या बाहरी हिमालय और उसके बाद में लास्ट में उत्तर पूर्वी हिमालय मिलेगा इस तरीके से तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय जो है वो नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया जा सकता है अब प्रादेशिक विभाजन के संकल्पना जो दिया है वो किसने दिया है ये पूछ सकता है तो सिडनी बुरार्ड ने दिया है इसमें देखिए अलग अलग बटा हुआ है जैसे पंजाब हिमालय उसके बाद कुमायूं हिमालय फिर नेपाल हिमालय उसके बाद असम हिमालय पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है लंबा कितना है तो 560 किलोमीटर काश्मीर और हिमाचल हिमालय को मिला करके और काराकोरम लद्दाख पंजाल जास्कर धौलाधर सब इसी में आता है पंजाब हिमालय में अब कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच में है ये 320 किलोमीटर लंबा है ये भागीरथी और यमुना का उद्गम का स्रोत नंदा देवी चोटी ये सब सब इसी श्रृंखला में आएगा कुमायूं में अब नेपाल हिमालय जो है ये काली और तिस्ता नदी के बीच में है ये सबसे ज़्यादा लंबा है आठ किलोमीटर माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा धौलागिरी मकालू ये सब इसी में आता है असम हिमालय ये तिस्ता और दिहांग तीस्ता दिहांग जो है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है इसकी लंबाई साढ़े सात सौ किलोमीटर है इसमें असम हिमालय में कूला कांगड़ी नामचा बरवा नागा पहाड़ी ये सब आता है यानी इसका एक ट्रिक भी बना सकते हैं सी सा का ती दी पहला देखिए सिंधु सतलज दूसरा सतलज और उसके बाद में काली तीसरा काली और तीस्ता और चौथा तिस्ता और दिहानग नदी इस तरीके से कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब बाँटा हुआ भी है जैसे पंजाब हिमालय का देखिए ये दिया हुआ है ये हो गया पंजाब हिमालय ये कुमायूँ हिमालय नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा है आठ सौ है और ये साढ़े सात सौ है असम हिमालय किलोमीटर में फैला इस तरीके से आप देख रहे हैं अब आगे देखते हैं यहाँ ट्रांस हिमालय तो देखिए ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में है यानी वृहद हिमालय जो है इसके ऊपर में है ट्रांस हिमालय आगे देखिए इस श्रेणी के अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बीतीयन हिमालय भी कहते हैं ट्रांस हिमालय को या परा हिमालय को तिब्बतीयन हिमालय भी कहते हैं इसके अंतर्गत काराकोरम लद्दाख जास्कर कैलाश ये सब पर्वत श्रेणी आता है इसमें वनस्पतियों का अभाव है याद रखिए कौन कौन श्रेणी आता है ये याद रख लीजिए ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है ये हिमालय से भी पहले हो चुका था इसकी सबसे ऊंची चोटी गार्डविनास्टिन है केटू ट्रांस हिमालय का छियासी ग्यारह मीटर केटू की ऊंचाई है जो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह कारा कोरम पर्वत श्रेणी में पड़ता है विश्व का सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला चोटी पूछेगा तो राका ये भी यही है ट्रांस हिमालय में तीव्र ढाल वाला राका पोसी है अच्छा ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूरब की ओर कैलाश श्रेणी तक फैला हुआ है जिससे विभिन्न ग्लेशियर का विकास हुआ है जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बोल्टेरो बियाफो ये सब ग्लेशियर है सियाचिन बोल्टेरो बियाफो और हिसपर ये सब का निर्माण हुआ है आगे देखिए तो ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम श्रेणी को ट्रांस हिमालय की जो काराकोरिम श्रेणी है उसको उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय अलग किससे होता है तो आई टी एस जेड एस जेड यानी इंडस तसांगपो सचर जोन इसको शॉर्ट में सचर जोन भी कहते हैं कि सचर जोन से अलग होता है सिंधु नदी जो है वो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख के बीच बहती है लद्दाख श्रेणी बुंजी नामक स्थान पर कट करके इस भारत की सबसे गहरी गौरज बनाती है याद रखिएगा अब वृहद हिमालय की हम लोग चर्चा करेंगे तो वृहद हिमालय देखिए या महान हिमालय तो ये बर्फ से ढके रहने के कारण इसको बर्फीला हिमालय कहते हैं या फिर हिमात्री के नाम से जानते हैं हिमात्री यानी हिम से ढका हुआ विस्तार इसका पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के गौर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक के है वृहद हिमालय का फिर उसके बाद में हिमालय की रचना के समानांतर वलय श्रेणी से इसका निर्माण हुआ है इसमें वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय और लघु हिमालय से अलग कैसे होता है तो एम से यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है इसकी ऊंचाई लगभग इकसठ सौ किलोमीटर है सोचिए सबसे ऊंचा यही है इकसठ सौ किलोमीटर मतलब इकसठ सौ मीटर ऊंचा है वृहद हिमालय विश्व का जो सबसे ऊंचा चोटी मिलेगा आपको इसी पर्वत श्रृंखला में चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माथा कहते हैं नेपाल में इसी इसी मतलब वृहद हिमालय में है वृहद हिमालय में पाया जाने वाला और भी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट अट्ठासी मीटर ऊंचा है कंचनजंगा पचासी मीटर ऊंचा है मकालू चौरासी मीटर ऊंचा है धौलागिरी इक्यासी मीटर ऊंचा है फिर नंगा पर्वत देख लीजिए और उसके इक्यासी छब्बीस अन्नपूर्णा अस्सी अठहत्तर अब यहाँ आ जाइए नंदा देवी तो नंदा देवी भी अठहत्तर सत्रह मीटर ऊँचा नामचा बरवा सतर छप्पन केदारनाथ इतना ऊँचा है अब क्षेत्र में देखते हैं तो हिमालय इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट अठासी अड़तालीस इसका नेपाल तिब्बत में पड़ता है फिर विश्व में भी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँचा है भारत में देखिए केटू है गार्डविन नास्टिन छियासी ग्यारह मीटर पीओके में पड़ता है ये भारत स्थित हिमालय इंडिया में बिल्कुल तो ये कंचनजंगा पचासी अंठानवे सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है कंचनजंगा की ऊंचाई याद रखिएगा पचासी अंठानवे अब आगे देखिए वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा ऊँचाई पर बर्फ़ पाया जाता है यानी पूर्वी भाग में पश्चिम से ज़्यादा मतलब बर्फ है वृहद हिमालय में वृहद हिमालय का जो पर्वतीय ढाल है उत्तर की ओर धीमा है लेकिन दक्षिण की ओर ज़्यादा है इसके कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है और इसका कारण क्या है तो ये कारण था फिर वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा यमुना ये सब सब सहायक नदी निकलता है जो पर्वत श्रेणी को काट करके आगे बहने वाली नदी सिंधु ब्रह्मपुत्र अलकनंदा है जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है यानी इसीलिए मतलब ग्लेशियर पिघल पिघल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र ये सब चल रहा है तो ये सब सालों भर बहता है अब हम लोग देखेंगे लघु या मध्य हिमालय तो ये इसका विस्तार जो है वृहद हिमालय के दक्षिण में है यानी वृहद से थोड़ा सा ये नीचे है सबसे ऊपर में ट्रांस था उसके बाद वृहद था उसके बाद अब लघु है इस पर्वत श्रेणी की जो लगभग चौड़ाई है वो पचास किलोमीटर है और ऊंचाई देखिए औस्तन तीन हज़ार से पैंतालीस सौ जबकि वृहद का इकसठ सौ था इसको जो उत्तर इसको जो अलग करता है इसके उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट समझना पाई जाती है यानी वृहद हिमालय को अगर लघु हिमालय से कौन अलग करता है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है और लघु हिमालय को अगर शिवालिक से पूछेगा तो मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है अब आगे देखते हैं वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी मिल जाएगा लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा घाटी मिल जाएगा कश्मीर गाढ़ी में घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं यानी मिट्टी वहाँ जो बनता है कश्मीर में करेवा मिट्टी पूछता भी है करेवा मिट्टी किस चीज़ की खेती के लिए तो केसर की खेती के लिए लघु हिमालय जो श्रेणी है वो महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं यानी लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी भी कह सकता है या हिमाचल श्रेणी भी लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक अलग अलग विभाजित किया है जैसे जम्मू कश्मीर में पिरपंजाल या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है पीरपंजाल श्रेणी धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है यह कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटी है मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में महाभारत श्रेणी नेपाल में अब धौलाधर पीरपंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है यानी पीरपजाल के दक्षिण में पड़ता है धौलाधर लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनमें का काश्मीर में उसको मर्ग कहते हैं जैसे सोनमर्ग गुलमर्ग ये सब घास का मैदान है और जगह भी बन गया है घूमने लायक उत्तराखंड में इसी को बुग्याल या प्यार कहते हैं और काश्मीर में सोनमर्ग गुलमर्ग इस तरीके से बोलते हैं फिर देखिए लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच में भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल भी मिलता है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन कौन जगह है तो शिमला है ये सब मतलब स्वास्थ्यवर्धक है घूमने लायक है मसूरी है चक्राता है नैनीताल है रानी खेत है दार्जिलिंग है ये सब घूमने को मिलेगा लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी भी है लघु और महान हिमालय के बीच में है अब हम लोग देखेंगे शिवालिक या आउटर हिमालय आज बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी यही है शिवालिक हम लोग सबसे पहले ट्रांस देखें उसके बाद वृहद देखें उसके बाद लघु देखें आप देख रहे हैं शिवालिक ये सबसे दक्षिण में है हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में इसका जो ऊंचाई है वो कम है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है नदी मतलब जो पर्वत से बहा बहा करके जो अवसाद या निक्षेपण ला रहा था ना उसी से फिर शिवालिक बना इसकी ऊंचाई भी कम है 600 से 1500 मीटर है सबसे मतलब कम ऊँचा है नवीनतम पर्वत श्रृंखला यही है हिमालय का शिवालिक याद रखिएगा इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक के हैं किस शिवालिक का पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक की शिवालय और लघु हिमालय के बीच में समतल घाटी भी है जिसको पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं और पूरब में द्वार कहते हैं जैसे देहरादून हरिद्वार पूरब की ओर अगर जाइएगा तो द्वार कहलाता है पश्चिम में दून शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं जो दलदली होता है या वंश्छादित प्रदेश होता है एच एफ एफ यानी हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट यह शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान और एम बी एफ मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है यानी भा कहेगा कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से कौन अलग करता है शिवालिक को उत्तरी मैदान से तो ये एच एफ एफ यानी फ्रंटल फॉल्ट हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट लेकिन शिवालिक को लघु हिमालय से कौन कलता है तो एम बी एफ यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट ये याद रखिएगा ऊपर में इससे पहले वाला वीडियो में समझाए हैं उसमें चित्र में दिया हुआ था चैप्टर नंबर टू में आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा अब चलिए उत्तर पूर्वी हिमालय देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारण करती है भारत का जो हिमालय का जो सबसे पूर्वी सीमा है वो ब्रह्मपुत्र नदी से मतलब निर्धारण होता है दिहांग गौरज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मतलब एक मोड़ बनाते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं आगे देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय में ज़्यादातर पहाड़ियाँ और छोटे छोटे नालों के द्वार अलग अलग होते हैं यहाँ जनजातियाँ जो है वो झूम या स्थानांतरित कृषि करती है पूछता है कि झूम कृषि या स्थानांतरिक कृषि कहाँ होता है तो उत्तर पूर्वी हिमालय की ओर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो फैला हिमालय श्रेणी है उसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं जैसे डाफला पहाड़ी मीरी पहाड़ी अबोर पहाड़ी मिसमी पहाड़ी तो ये सब कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में फिर पटकाई बूम तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है ये सब क्या है तो हिमालय का श्रेणी है हिमालय का ही श्रेणी है डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकाईबूम और नागा पहाड़ी देखिए नागा पहाड़ी ना नागालैंड में है और आगे देख लीजिए नागा, नागा मनिपूर मनिपूर मीजो पहाड़ी नागालैंड मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में मिजो पहाड़ी मिजोरम में त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में बरेल श्रेणी ये असम मणिपुर और नागालैंड में मिकीर पहाड़ी असम में अब यहाँ देखते हैं गारो पहाड़ी खासी और जंतिया ये मेघालय में, में पड़ता है अब हम लोग हिमालय के कुछ प्रमुख हिमनद देखेंगे ग्लेशियर जैसे सियाचिन ग्लेशियर है तो ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है छिहत्तर किलोमीटर लंबा है ये लंबाई आप देख लीजिएगा लेकिन मेन मेनली रूप से ग्लेशियर है ये सारा सियाचिन ससाइनी ये भी काराकोरम श्रेणी में अभी खाली काराकोरम श्रेणी में देख रहे हैं पर भी है काराकोरम में बियाफो बोल्टेरो बातुरा चौगलुगमा खुरदोपिन रिमो ये सब हो गया काराकोरम में पुनमा पूर्णमा भी काराकोरम श्रेणी में फिर रूपल ग्लेशियर ये वृहद हिमालय में है जेमू ग्लेशियर ये हो गया कंचनजंगा में सोना पानी ग्लेशियर कश्मीर में गंगोत्री ग्लेशियर कुमायु उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर तो ये कुमायु उत्तराखंड में चौराबाड़ी ग्लेशियर ये उत्तराखंड में चौराबाड़ी ये सब पढ़े भी होंगे पूछता है डायरेक्टली ये सबसे क्वेश्चन फिर आगे देखिए हिमालय के भू आकृतिक खंड के प्रादेशिक विभाजन इसमें ऊँचावच पर्वत श्रेणी के संरेखन और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर अलग अलग विभाजित किए हैं इसमें काश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत अब हम लोग काश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय थोड़ा सा देखते हैं इनमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पिरपंजाल ये सब आता है काश्मीर हिमालय में काश्मीर हिमालय में लद्दाख जो है वो एक शीत स्थल है यह वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में है यहाँ देख लीजिए जो जिला बनिहाल फोटुंगला खारदुंगला ये सब दर्रा है जो इस क्षेत्र में डल झील और बुलर झील ताज़ा झल के झील है दर्रा ये सब दर्रा काश्मीर में ही है फोटुला खारदुंगला बनिहाल जोजिला और डल झील और बुलर झील भी इसी क्षेत्र में है अब पागोंग झील एक है और सोमरूरी झील ये भी लवन युक्त है ये भी काश्मीर में पड़ता है पोगोंग पोगोंग और सोमरूरी लेकिन ये सब लवन वाला है खारा जल वाला है और डल झील और बुलर झील अथी वाला था कौन श्रेणी में है ये सब काश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में आगे देख लीजिए कि सिंधु और इसकी सहायक नदी जो झेलम चिनाब जो है ये सब प्रवाहित होती है लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चरारे शरीफ ये सब इसी काश्मीर में मिलेगा आपको जास्कर नदी सिंधु से कहाँ मिलती है लेह में ये भी याद रखिएगा। इसके दक्षिणी भाग में अनुधैर्य घाटियाँ पाया जाता है जिसको दून कहते हैं जिसमें जम्मू दून पठानकोट दून ये सब भी आता है अब हम लोग देखेंगे हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में है इस खंड में हिमालय की तीनों प्रमुख श्रेणियाँ वृहद हिमालय लघु हिमालय लघु हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नागा टिब्बा इसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी तीनों आता है फिर आगे देखिए तो इसका दो प्रमुख स्थलाकृति शिवालिक और दून है जैसे चंडीगढ़ कालका दून नालागढ़ दून देहरादून हरिके दून कोटा दून देहरादून सबसे बड़ा घाटी है भी याद रखिए भारत का तीसरा सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है कुमायूं हिमालय में ही पड़ता है जो उत्तराखंड हिमालय में कहते हैं वृहद हिमालय की घाटियाँ में भोटिया नामक खाना प्रदोस जनजाति भी रहते हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं ग्रीष्मकाल में बुग्याल यानी ऊंचाई पर घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं प्रसिद्ध फिर भूख फूलों की घाटी है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यहाँ के तीर्थ स्थल हैं यहाँ कई प्रकार के नदी संगम हैं जिनमें देवप्रयाग प्रयाग कर्ण प्रयाग विष्णु रुद्रप्रयाग ये सब है उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुआं भी पाया जाता है धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल स्रोत हैं जमीन से पानी निकलते रहता है अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय देखते हैं यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच में है स्थित है यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और तेज बहाव वाली नदियों के कारण प्रसिद्ध है इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी भाग में उत्तरी उच्च भाग में लेपचा नामक जनजाति निवास करती है जबकि निम्न सिक्किम में लेपचा जनजाति रहता है ना, और जबकि दक्षिणी इस सब में नेपाली बंगाली मध्य जनजातियाँ मिल जाएगा यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं परंतु उसके स्थान पर दुआार स्थलाकृति पाया जाता है चाय बागान के लिए होता है दुआार स्थलाकृति अब अरुणाचल हिमालय भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में दीफू दर्रा तक के फैला हुआ है नामचा बरवा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं इसमें देखिए अरुणाचल हिमालय में जो जनजाति निवास करता है सो मोनप्पा डफला अबोर मिसमिन निसी नागा अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती है स्थानांतरित एवं स्लैश और बर्ण कृषि भी कहा जाता है वर्ण कृषि भी कहते हैं स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न स्लैश और बर्न मतलब ए, काटो और जलाओ स्लैश मतलब काटना बर्न यानी जलाना अब पूर्वी पहाड़ी और पर्वत देखते हैं पूर्वी पहाड़ी में देखिए है कि दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगा और सुदूरपुर में मतलब मिलेगा ये उत्तर में पटकाई बूम नागा पहाड़ी मणिपुर पहाड़ी और दक्षिण में मिजो लुसाई पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है पूर्वी पहाड़ियाँ उत्तर में क्या नाम से तो पटकाई बूम नागा पहाड़ी मणिपुर में और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ी के नाम से यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाली जनजातियाँ झूम और स्थानांतरित कृषि यहाँ भी करता है यहाँ प्रवाहित होने वाली जो न, न, नदी है वो बराक नदी मणिपुर एवं मिजोरम की मुख्य नदी है मणिपुर घाटी के लोकटक झील भी है यहाँ चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है मिजोरम में मालसेस बेसिन भी कहा जाता है इसको मिजोरम जिसे माल मालेसिस बेसिन कहा जाता है कोमल और असंगठित चट्टान से बना हुआ है ये देख लीजिए ये आपका था हिमाचल हिमालय उत्तराखंड नेपाल हिमालय दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय फिर अरुणाचल हिमालय अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है हिमालय में पश्चिम की ओर और, और पूर्व की ओर तो देखिए पश्चिमी पश्चिम की ओर क्या था कि ये सिंधु से काली नदी पश्चिमी भाग में मतलब सिंधु से इधर से ही शुरू हो रहा था, था तो सिंधु से लेकर के काली नदी तक की अब पूर्वी हिमालय जो है वो सिक्किम में सिंगा लीला पर्वत से पूर्व पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक की था अच्छा फिर पश्चिमी हिमालय जो है ये पछुआ विछाव से अधिक वर्षा प्राप्त करता है और पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है फिर पश्चिम में जो है ये पूर्वी हिमालय की तुलना में लगभग एक चौथाई बहुत कम होता है वर्षा वर्षण की मात्रा कम होता है और पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की लगभग चार गुना अधिक वर्षा मात्रा प्राप्त करता है उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगल का विकास हुआ है औसत वर्षा दूसरों से भी ज़्यादा है पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम है और अपनी जैव विविधता के कारण पूर्वी हिमालय जो है वो हॉटस्पॉट भी है फिर स्थायी हिमावरण की निम्नताप सीमा ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की तुलना में यहाँ कम मिलेगा हिमरेखा की निम्नतम सीमा और ट्री लाइन की ऊंचाई मान जो है वो पश्चिमी हिमालय में ज़्यादा मिलेगा गंगा यमुना और सिंधु नदी इस क्षेत्र में बहेगा पूर्वी हिमालय की ओर तीस्ता और, और ब्रह्मपुत्र बहेगा इसके अंतर्गत काराकोरम धौलाधर जास्कर कैलाश पंजाल श्रेणी आएगा और इसके अंतर्गत बूम नागा पहाड़ी कंचनजंगा नामचा बरवा जैसी चोटी आएगा अब हिमालय के कुछ दर्रा देखते हैं जिसमें बनिहाल दर्रा है बनिहाल दर्रा ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है जम्मू कश्मीर में ये लघु हिमालय फिर पंजाल श्रेणी में फैला हुआ है लेकिन श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है फिर एन एच चवालिस जो है ये श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग है पहले इसको एन एच वन ए बोलते थे हालांकि सबसे लंबा अभी राजमार्ग यही है एन एच चवालिस शीत ऋतु में यहाँ बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण बाधित हो जाता है और मतलब उन्नीस सौ छप्पन में यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जो थे उन्हीं के नाम पर जवाहर सुरंग बनाया गया था पूछता है जोहर सुरंग किस दर्रा में है बनिहाल दर्रा में अब लानक ला एक दर्रा है इसको देख लीजिए यह ट्रांस हिमालय में है और लद्दाख तिब्बत के बीच संपर्क बनाता है लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है यानी भारत और चाइना को लानक ला दर्रा वर्तमान में लानक ला दर्रा लद्दाख के चीन से अक्साई चीन का हिस्सा है यह सामरिक महत्व से मतलब ए, ए, सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन इसी दर्रे से होकर सिक्यांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है अब नाथुला दर्रा तो ये सिक्किम में है ये जो है गंगटोक एवं लहासा यानी चाइना को मतलब मार्ग देता है उन्नीस सौ बासठ में भारत चीन युद्ध हुआ था तब बंद कर दिया गया था लेकिन दो हज़ार में फिर खोल दिया गया है नाथुला को भारत और तो चाइना के बीच में है ये समझ लीजिए और व्यापारिक सिल्क भी होता है अब हम लोग देखेंगे जोजिला दर्रा तो जोजिला दर्रा ये भी जासका श्रेणी लद्दाख में है इस श्रीनगर कारगिल इस सब के बीच मानो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है याद रखिएगा श्रीनगर कारगिल ले एवं लेह के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच वन घोषित किया गया इसके निर्माण बॉर्डर बी आर ओ मतलब इसका निर्माण किया है अब लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड के कुमायूं में अवस्थित है मतलब उत्तराखंड को कुमायूं क्षेत्र से तिब्बत को जोड़ता है लिपुलेख मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर जाने वाले मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं वो लिपुलेख दर्रा का ही उपयोग करते हैं चाहे आपको कैलाश जाना हो या मानसरोवर जाना है लिपुलेख दर्रा जो है भारत और चाइना के बीच व्यापार होने के लिए भी स्थलीय मार्ग देता है भारत चीना नेपाल के बीच सीमा भी बनाता है अब बोमडिला दर्रा तो यह अरुणाचल प्रदेश में है ये जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहाशा से जोड़ता है बोमडिला दर्रा बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण यहाँ शरद ऋतु में बंद रहता है शीत रितु ये बंद रहता है बोमडेला अब दीपू दर्रा तो दीपू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है भारत चीन और म्यांमार की सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश में यह जो दीपू दर्रा है ये मांडले म्यांमार में जो पड़ता है उसको उसको वहाँ जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है डीपू मांडले म्यांमार जाने के लिए अब भारत और म्यांमार के बीच में मतलब व्यापार परिवहन को खुला रहता है अब काराकोरम दर्रा तो काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख में लद्दाख में मतलब है भारत और चीन के बीच संपर्क ये भी बनाता है फिर आगे देख लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में काराकोरम जो है वो वर्तमान समय आने जाने के लिए बंद कर दिया गया था चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण किया कर लिया गया है यह काराकोरम दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है पचपन सौ चालीस मीटर ऊंचा पर स्थित है अब देखते हैं रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये मनाली से लेह को मतलब जोड़ता है रोहतांग मनाली से लेह को रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर के बीच खुला रहता है बाकी बर्फीला तूफान और हिमस्खलन के कारण बंद कर देता है रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले से प्रवेश करता है और प्रवेश द्वार कहा जाता है और कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है अब बुरजिला दर्रा देखते हैं बुरजिल दर्रा जो है ये हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रखता है ये बुरजिला ये काश्मीर गिलगित श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है लेकिन शीत ऋतु में बर्फ़ से ढक जाता है तो इसको भी बंद कर देते हैं यह दर्रा पाकिस्तान पी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर घाटी और भारत के काश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है अब कुछ हम लोग दर्रा देखेंगे और वो कहाँ पड़ता है उसका स्थिति कहाँ है और मार्ग कैसे गुजरता है इसे देखेंगे जैसे काराकोरम दर्रा, कारा दर्रा तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है लद्दाख में है काराकोरम दर्रा भारत चाइना को जोड़ता है दस दपसेंगला दपसांगला दर्रा तो ये भी लद्दाख में है भारत चाइना लानकला दर्रा ये ट्रांस लद्दाख में और फिर भारत चाइना चांगला दर्रा लद्दाख में भारत चाइना जांगला दर्रा जाराला जारा ला भी लद्दाख में भारत चाइना खारदुंग ला भी लद्दाख में भारत चाइना बुरजी बुरजिला भी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर गिलगित को जोड़ता है बारा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय में अभी सब है लेह मनाली को जोड़ता है सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में शिमला तिब्बत को नीति दर्रा उत्तराखंड में भारत चाइना को मानाला दर्रा उत्तराखंड में भारत चाइना को मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में मुलिंगला उत्तराखंड में भारत चाइना को जयलेपला दर्रा सिक्किम गंगटोक लहासा को फिर यहाँ देख लीजिए फिर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर जम्मू को कश्मीर से बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जम्मू से रोहतांग दर्रा तो ये मनाली लेह को जोड़ता है ये सब लघु हिमालय में आप पढ़ रहे हैं फिर बोमडिला दर्रा तो ये अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल को लहासा तिब्बत से दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को पसांग साऊ तो दर्रा तो ये अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल म्यामार्ग को तूजू दर्रा तो तूजू दर्रा मणिपुर में मणिपुर में म्यामार को जोड़ता है अब इसी तरीका से हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख घाटी इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख मुरखा घाटी देख लीजिए मुरखा घाटी ये लद्दाख का प्रसिद्ध घाटी है हेमिस राशि उद्यान का रा, रास्ता देती है ये मुरखा घाटी फिर काश्मीर घाटी ये महान हिमालय और फिर पंजाल श्रेणी के बीच अब बनिहाल दर्रा और द्वारा जम्मू का से जुड़ी हुई है इसकी संरचना ऐसे है नुब्रा घाटी ये भी सियाचिन हिमनत से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा बनती है सुरू घाटी ये कारगिल कस्बा के लिए महत्वपूर्ण है गलवान घाटी ये भी जो है वो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एल के समीप में स्थित है मुरखा देख लिए काश्मीर नुब्रा सुरू और गलवान अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटी जैसे किन्नौर घाटी तो किन्नौर घाटी ये हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग से में स्थित है तिब्बत की सीमा के समीप है हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकूल को मार्ग प्रदान करती है किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश मेनली रूप से याद कर लीजिएगा कि कौन घाटी कहाँ है किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश ये देखिए पार्वती घाटी जो है ये भी कुल्लू स्थित घाटी है और हिंदू एवं सिख यात्रियों के लिए मणिकर्ण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है मणिकर्ण क्या है तो मणिकर्ण गर्म पानी के फवारे के लिए प्रसिद्ध है सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश ये बासपा घाटी के नाम से जानते हैं बासपा बासपा घाटी को सांगला घाटी भी कहते हैं फिर मालना घाटी हिमाचल प्रदेश ये छोटा यूनान कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में इसको कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश देवताओं की घाटी हो गया इसमें सात दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए भी जाना जाता है धौलाधर और फिर पंजाल के बीच में है कुल्लू घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश पार्वती हिमाचल प्रदेश सांगला हिमाचल प्रदेश मालना मालना हिमाचल प्रदेश जिसको छोटा यूनान कह रहे थे और कुल्लू घाटी भी अब यहाँ देखिए पांगी घाटी ये भी है कहाँ पांगी भी है वहीं हिमाचल प्रदेश में ही अस्पिति घाटी भी हिमाचल प्रदेश लाहौल भी कांगड़ा भी चंबा भी पांगी भी तो पांगी जो है लाहौल पंगवाला भोटिया के आवास क्षेत्र है ताबो मठ है स्पीति घाटी में और फिर लाहौल में देख लीजिए कि चंद्र एवं भागा नदी बहता है कांगड़ा जो है ये धर्मशाला घाटी में अवस्थित है पर्यटन धर्मशाला कांगड़ा घाटी में है चंबा घाटी जो है ये भारमौर डलहौजी और खुजियार ये सब मतलब मिल जाएगा आपको इतना था कहाँ ये सब था हिमाचल प्रदेश में अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड का तो सबसे पहले दून घाटी तो ये शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है और ये अनुधैर्य घाटी है उत्तराखंड में दून घाटी जोहर घाटी उत्तराखंड फूलों की घाटी उत्तराखंड धर्मा घाटी उत्तराखंड शोर घाटी उत्तराखंड और नेलांग घाटी भी उत्तराखंड जोहार अब जोहर घाटी देख लीजिए तो जोहर घाटी जो है इसे मिलाम घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है फूलों की घाटी चमोली जिला में है यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है दो में धर्मा घाटी ये भी उत्तराखंड में धर्म गंगा नदी द्वारा होता है इसका निर्माण सौर घाटी सौर घाटी पिथौरागढ़ में है ये कत्यूरी राजवंश का शासन था ये अयोध्या से यहाँ आए थे नीलांग घाटी ये भी गंगोत्री नेशनल पार्क है नीलांग घाटी में ही गंगोत्री नेशनल पार्क है अब गंगोत्री नेशनल पार्क है तो उत्तराखंड में हो जाएगा यहाँ भारत चीन सीमा के निकट स्थित है उन्नीस सौ में इसको बंद कर दिया गया था दो में फिर खोल दिया गया है नीलांग घाटी को अब आगे देखेंगे कहाँ पश्चिम बंगाल के घाटी तो पश्चिम बंगाल की घाटी नेवरा घाटी दार्जिलिंग के, के कालिमपोंग में है उन्नीस में इस नेवरा घाटी को राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया है नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल चुम्बा घाटी तो ये हो जाएगा सिक्किम में भारत भूटान और चाइना के मतलब तीनों मिलन बिंदु होने के कारण ये महत्वपूर्ण है चुम्बी चुम्बी है ये चुम्बी ऐसे पढ़ले पढ़ चुके हैं ना चम्बा चंबा था हिमाचल प्रदेश में चुम्बी हो गया सिक्किम में ये डोकलाम जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है सिक्किम तरफ से ये अब चुम्बी घाटी से पहले सिक्किम का हिस्सा था जो वर्ष इतना में तिब्बत के आगे बना स्थानीय निवासियों प्रमोवा कहा जाता है यूथांग घाटी युथांग भी सिक्किम में है ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी रोडा डेंड्रोन झाड़ियों और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग यहाँ मिलेगा आपको युथांग घाटी सिक्किम में और चुम्बी घाटी भी सिक्किम में रोंडा डेड्रोन एगो झाड़ी है वो मिलेगा युथांग घाटी सिक्किम में अब यहाँ देख लीजिए जुकू घाटी तो जुकू हो जाता है नागालैंड में भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जून और सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जो जो जंगला फूलों से ढक जाती है यहाँ ये जंगली फूल है जंगली फूल हो जाता है जुकू घाटी में नागालैंड में आंध्र प्रदेश में देखिए अराकू घाटी अराकू घाटी आंध्र प्रदेश गलीकोंडा राक्ता कोडा सुक्रीमेट्टा चित्ता मोंगडी सब मतलब पहाड़ी से घिरा हुआ है कंबम घाटी तमिलनाडु में है कम्बम इथलकाडी वर्सुनादु कोडई कनाल पहाड़ी से घिरा हुआ है शांत घाटी केरल में है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ये केरल के पलक्कड़ जिला में आपको मिल जाएगा अट्ठारह सौ सैंतालीस में शोध हेतु रॉबर्ट वाइट ने प्रथम अंग्रेज थे शोध हेतु यहाँ आए थे और कुंथी नदी यहाँ के वन से मतलब शांत घाटी साइलेंट वैली सबको जानता है केरल में और शोध के लिए आए थे रॉबर्ट वाइट अठारह सौ में सा, साइलेंट वैली में ये इतना आप लोग देख लिए क्या तो ये घाटियाँ अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान इसमें देखिए उत्तर भारत के विशाल मैदान में उत्तरी भारत का जो मैदान है वो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और इसके सहायक नदी इस सब के जो अवसाद और निक्षेपण से हुआ है इन्हें गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसीलिए कहते हैं इसमें है कि यह मैदान उत्तर भारत वाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक के फैला हुआ है समतल मैदान है ऊंचावच में बहुत कम अंतर है इसका जो पूरब से पश्चिम तक लगभग बत्तीस सौ किलोमीटर लंबा है और लगभग इतना किलोमीटर चौड़ा है डेढ़ सौ से तीन सौ किलोमीटर इस मैदान में समुद्र तल से ऊंचाई लगभग पचास से डेढ़ डेढ़ सौ मीटर तक के है इसका मिट्टी जो है वो उपजाऊ है जलवायु उपयुक्त है और पर्याप्त जल पूर्ति भी है कृषि में बहुत सहायक है उत्तरी मैदान जो था उत्तरी भारत का अब यहाँ देख लीजिए कि उत्तरी मैदान को उचावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर बांटे हैं इसमें भाबर हो गया तराई हो गया बांगर हो गया खादर हो गया और डेल्टा हो गया यानी उत्तर भारत को जो भौतिक लक्षण देख करके या उचावच को देख करके के महत्वपूर्ण प्रदेश में भावर प्रदेश तराई बांगर खादर और डेल्टा तो भावर देखते हैं उत्तरी भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीसता नदी तक के जो क्षेत्र है उसमें भाबर आता है भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा मतलब भाबर में मेनली रूप से पत्थर मिलेगा कंकड़ मिलेगा और बजरी मिलेगा इस सब के जमाव से बना हुआ है इसका चौड़ाई जो है आठ से दस किलोमीटर होता है भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर कंकड़ बजरी के ढेर के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाता है मतलब अंदर छुप जाता है यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है ज़्यादा बढ़िया नहीं है ज़्यादा कंकड़ पत्थर रहता है अब तराई देखिए तो तराई है कि यह बाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र हो जाएगा यह बारीक कंकड़ मतलब महीन कंकड़ और महीन पत्थर रेत और चिकनी मिट्टी से बना होता है इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती है वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है फिर दिखाई पड़ने लगती है वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ज़्यादा मिलेगा आपको तराई आगे देखिए इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है जिससे विभिन्न क्षेत्र में सदैव नम रहता है यानी ढाल की कमी है तो पानी ऊपर जम जाता है और इसी तरीका से मतलब कृषि के लिए विशेषकर गन्ना चावल और गेहूं के लिए खाली उपयुक्त है क्योंकि दलदली है थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे बांगर तो बांगर यह उत्तरी मैदान का उच्च भूमि है यह पुराना जलोढ़ मिट्टी है यानी ये जलोढ़ ही है लेकिन पुराना है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है इसका विस्तार जो है पंजाब उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में आपको मिल जाएगा बांगर मिट्टी का इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्रों में लवणीय और छारी उत्फुलन देखे जाते हैं जिन्हें रेह अथवा कल्लर कहते हैं रेह मिट्टी या कल्लर मिट्टी बांगर क्षेत्र का जो नदी के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है यानी नदी ऐसे या मान लीजिए बह रहा है तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये खादर हो जाएगा और ये इधर रहता है बांगर तो ये तल से थोड़ा नहीं जल नहीं पहुँच पाता है यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी है बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण मुलायम भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है अब वहाँ कंकरीली भूमि मिलती है ऐसे भूमि को भूड़ कहते हैं कंकरीली भूमि को अब खादर जो देख लीजिए खादर मिट्टी उत्तरी भारत के मैदानों में निचली भूमि ये है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है इसका विस्तार आपको यूपी बिहार बंगाल में मिलेगा खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्सा में होता है जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहु होता है भूमिगत जल स्तर ऊँचा होता है खादर भूमि जो है वो मिट्टी को चिक्का की अधिकता होती है जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है यह मिट्टी क्षेत्र जो है वो खादर वाला ये चावल जूट गन्ना दलहन तिलहन इस सब के लिए प्रसिद्ध है अब डेल्टा देखिए तो यह खादर मैदान का ही मतलब बढ़ा हुआ भाग है यह इसका विस्तार निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में ये मिल जाएगा पुराना और नया पंख दलदल भी सम्मिलित रहता है यह उच्च भूमि को यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं डेल्टा में उच्च भूमि को चार कहते हैं उत्तर भारत का जो विशाल मैदान था वो प्रादेशिक आधार पर चार वर्ग में है पंजाब का मैदान राजस्थान का मैदान गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान चलिए शॉर्ट में अब देखते हैं इसको भी सबसे पहले पंजाब का मैदान तो इसमें सिंधु और इसकी सहायक नदी ये सब जो सहायक नदी है इससे निर्मित पंजाब का मैदान है इसका भौगोलिक विस्तार पाकिस्तान दोनों भारत पाकिस्तान दोनों में है लेकिन ज़्यादा विस्तार पाकिस्तान में मिलेगा अच्छा पंजाब के मैदान जो है इसके अंतर्गत बारी और बिस्त दवाब आते हैं बारी दबाव पूछता है कि बारी और बिस्त दबाब किसके अंतर्गत पंजाब के मैदान के अंतर्गत जो कृषि के लिए मतलब विकसित क्षेत्र है पंजाब का जो पुराना जलोढ़क भूमि है बांगर उसको है। बैंड लैंड कहते हैं बैंड लैंड बैड लैंड मतलब खराब अनुर्वर भूमि जिसमें उपज नहीं हो पंजाब के जो पर्वतपदीय मैदान है उसके अपर्दन से निर्मित भूमि को चौस कहते हैं चौस इस प्रकार चौस होशियारपुर ज़िला में ज़्यादा पाया जाता है दुआब किसको कहते हैं इसको देख लीजिए दो नदियों के बीच ऐसी भूमि मतलब बीच जो भूमि है दो नदियों न दो नदी के बीच में जो भूमि है इधर भी नदी एगो बह रहा है और इधर भी नदी बह रहा है यहाँ ये वाला जमीन जो है वो दुआब कहलाता है उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र का दुआब बिस्त दुआब तो ये ब्याज और सतलज के बीच में है पूछता है कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में जो भूमि है उसको क्या कहते हैं तो बिस्त दुआब कहते हैं ब्यास और रावी तो ये बारी दुआब कहते हैं बारी रावी और चिनाब तो ये रचना दुआब हो गया र च यानी र च फिर चज दुआब तो चे चिनाब और झेलम चज फिर झेलम चिनाब और सिंधु नदी तो सिंधु सागर दो अब विश्व में ब्यास और सतलज था बारी में ब्यास और रावी था अब हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान तो गंगा का मैदान जो है ऊपरी गंगा मध्य गंगा और निम्न गंगा ऊपरी गंगा में रुहेलखंड और अवध मध्य गंगा में पूर्वी प्रदेश और बिहार का मैदान इसमें भी बिहार में सारण मगध और मिथिला और निम्न गंगा का मैदान में बंगाल बंगला पश्चिम बंगाल का मैदान अब देखते हैं गंगा का मैदान का विस्तार जो है यूपी बिहार बंगाल तक के गंगा और इसकी सहायक नदी जो है वो तीन मैदानी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया ऊपरी गंगा मध्य गंगा और गंगा गंगा मैदान की रचना जो है वो अग्रग्रत यानी फोर डीप में हुआ है जबकि यहाँ से देख लीजिए गंगा के मैदान पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा समुद्र से दूरी बन कमी आ जाती है मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील ऑक्सबो लेक अधिक पाया जाता है क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती है गंगा के मैदान यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं जिसे पटना के निकट जल्ला मोकामा के निकट टाल और पश्चिम बंगाल में जल से भरे ऐसे गर्तों को बिल कहा जाता है जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिला के पर्वतीय तथा तराई के क्षेत्र दुआर कहलाता है जलाई दने मतलब जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के जो पर्वतीय और तराई का क्षेत्र है उसको दुआर कहते हैं अब राजस्थान का मैदान देखिए देश इसका विस्तार पश्चिम में अरावली से लेकर के भारत पाकिस्तान सीमा तक के और उत्तर में पंजाब हरियाणा मैदान तक के दक्षिण में गुजरात के मैदान तक के राजस्थान का मैदान ये अरावली पर्वत का एक विभाजक रेखा का कार्य करता है फिर आगे देखिए कि पच्चीस सेमी मतलब समवर्षा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि की रोही कहते हैं राजस्थान के मैदान जो है वो थार मरुस्थल खनिज तेल जिप्सम, नमक भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जल संसाधन के लिए यहाँ इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है राजस्थान में राजस्थान के मैदान में सांभर झील जो अंतस्थली खारे पानी का सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा है भारत का सबसे बड़ा अंतस्थली खारे पानी का तथा लूनी इस मैदान की प्रमुख नदी है फिर इस पा इस क्षेत्र में राजस्थान तरफ अभी केंद्रीय पर्व विस्तृत समतल मैदान गर्त को बालसन कहते हैं चौरस और प्रवाहित द्रोणी छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं समतल गर्त है तो बालसन गर्त है तब और अगर छोटी झील है तो उसको प्लाया। सांभर झील बालसन का एक अच्छा उदाहरण है यानी गड्ढा गड्ढा है डिडवाना कुचामन सरगोल अन्य छील पलाया का सब उदाहरण है ये सब छोटा छोटा झील है लेकिन सांभर झील गर्त है बालसन है फिर आगे अब देख लेते हैं ये भारत का विशाल मैदान इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं सब में अब ब्रह्मपुत्र का मैदान हम लोग देखेंगे देख रहे हैं कि यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी द्वारा मतलब विशाल मैदान के सुदैर पूर्वी भाग में है इस मैदान का जो है वो सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है ढाल प्रणवता कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं ढाल कम है इसीलिए माजुली द्वीप बन गया है असम घाटी के उत्तरी किनारों में ढाल खड़ा है परंतु दक्षिणी किनारे में ढाल मेघालय की तरफ मध पाया जाता है कम है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है यहाँ चावल और पटसन की खेती होता है ब्रह्मपुत्र मैदान में जो है वो शंकु के निर्माण हो जाने अवरुद्ध हो जाता है जिसके कारण गोखुर झील बील और दलदल तराई क्षेत्र भी बन जाता है अब भारतीय मरुस्थल देख रहे हैं तो 25 सेमी से अगर कम वर्षा होगा तो उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल की श्रेणी में रखेंगे अरावली जो पहाड़ी है भारत में अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी किनारा में बालू का टिब्बा से ढका एक तरंगित मरुस्थली मैदान है जिसको थार मरुस्थल कहते हैं आरावली के ये उत्तर पश्चिम में या पश्चिम किनारा में थार के मरुस्थल के अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा गुजरात में है विश्व में मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनघनत्व थार मरुस्थल में मतलब लोग भी रहता है ज़्यादा ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भाग में उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रन्य की ओर है किसका थार मरुस्थल का कच्छ के रन को सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं दक्षिण के ओर ढाल इन्ही थाने कच्छ के रन को सफ़ेद मरुस्थल यह नमकीन दलदल से निर्मित है यह क्षेत्र नमकीन दलदल से नौ नौ हज़ार है जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कच्छ के रन सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है अधिकांश नदी अंतरस्थलीय प्रतिरूप के रूप में लूनी इसी का उदाहरण है फिर थार मरुस्थल देख रहे हैं ना तो इसमें धरातली अब पवनों द्वारा रेत के टीले और बरखान छत्रक सब बनता है मरुस्थल में ये सब निर्माण होता है रेत का टीला बरखान छत्रक अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो अनियमित त्रिभुजा कुराकूर्ति वाला है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से यानी दिल्ली पूर्व में राजमहल की पहाड़ी पश्चिम में गिर पहाड़ी दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ी और उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग के पठार तक के हैं इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक के है लैंड के टूटने और उत्तर दिशा में प्रवाह करने के कारण ये बना था प्रायद्वीपीय पठार यह प्राचीनतम भाग पैंजिया का एक हिस्सा है पैंजिया टूटा था ना तो पढ़े थे ऊपर में कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा था तो वही मतलब गोंडवाना लैंड के टूटने से ये बना है प्रायद्वीपीय पठार जो पुराने क्रिस्टलीय ऑर्ग्न और रूपांतरित सेल से बना है समानता प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है कम होती चली जाती है पश्चिम से पूरब की ओर कम होते जा रहा है यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश नदियाँ का बहाव पश्चिम की ओर पश्चिम से पूरब की ओर है ढाल कम है पूरब की ओर पूर्व की ओर कम होती जाती है ऊंचाई ऊंचाई पूर्व की ओर कम है तो ढाल ज़्यादा हो जाता है पूरब की ओर इसीलिए बहाव ज़्यादा नदी का पूरब की ओर है पश्चिम की ओर केवल नर्मदा और ताप्ती बहती है बाकी सब पूरब की ओर बहती है इसी कारण से प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है ढाल मतलब उत्तर दने और पूरब दने जो सोन चंबल दामोदर सब प्रवाह से स्पष्ट है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है जो गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी सब के प्रवाह से बनता है यानी उत्तर की ओर थोड़ा बहुत बह रहा है तो सोन चंबल और दामोदर लेकिन है दोनों पूर्वे दने और पश्चिम की ओर थोड़ा है तो वो गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी ये सब है अब आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा और ताप्ती अपवाद में है जो क्योंकि इसकी बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है ऐसा भ्रंश घाटी भ्रंश घाटी का मतलब हो गया कि दो बीच में ऐसे ऐसे पहाड़ है और बीच में ये घाटी है तो इसी घाटी से निकल जाती है नर्मदा नदी इसी कारण से ये पश्चिम की ओर बहती है नहीं तो पश्चिम की ओर नहीं बहती प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यहाँ अनेक पठार से मिलकर के बना हुआ है जैसे केंद्रीय उच्च भूमि पूर्वी पठार उत्तर पूर्वी पठार दक्कन के पठार गुजरात के कुछ पहाड़ियाँ देख लीजिए जो उत्तर से दक्षिण में उत्तर की ओर है कौन कच्छ पहाड़ी उत्तर की ओर है उसके नीचे थोड़ा सा मांडव पहाड़ी गुजरात में मांडव पहाड़ी फिर बरदा पहाड़ी गुजरात में फिर गिरनार पहाड़ी गुजरात में फिर गिर पहाड़ी यानी कच्छ मांडव बरदा गिरनार तब गिर पहाड़ी अब केंद्रीय उच्च भूमि देखते हैं द सेंट्रल हाइटलैंड्स केंद्रीय उच्च भूमि जो है इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जैसे अरावली और मेवाड़ का पठार को शामिल किया गया है मालवा का पठार को शामिल किया गया है बुंदेलखंड के पठार को विंध्यन श्रेणी को सतपुड़ा श्रेणी को इन सब को शामिल किया गया है सबसे पहले अरावली देखते हैं तो अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर का तक के पूछता है कि अरावली का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है तो आठ किलोमीटर है ये मोड़दार प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये भी याद रखिएगा राजस्थान ये सब अलग करने वाली संरचना इसकी उत्पत्ति अरावली का उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था अरावली की अनुमानित आय पूछता है तो 570 मिलियन वर्ष है। लंबाई है 800 किलोमीटर और इसका उम्र 570 बिलियन वर्ष है मिलियन मिलियन वर्ष है पाँच मिलियन वर्ष आरावाला का जो संरचना है वो पश्चिम में मुख्य जल विभाजक की ओर है लूनी नदी हाँ ये भी देख लीजिए लूनी नदी इस नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ से विलीन हो जाती है लूनी नदी मतलब विलीन हो जाती है कच्छ के रण में इसलिए यह एक अंतर अपवाह का उदाहरण हो जाती है अरावली से निकलने वाला और सुकरी और जवाई नदी है जो लोनी के सहायक नदी है अरावली पर्वतमाला जो है इसके मुख्य जलवायु भाजक भी है आगे देखिए उत्तर पश्चिम में भारत में यह खनिज संसाधन जैसे तांबा सीसा, जस्ता जा, अवरक चूना पत्थर ये सभी भी मिल जाता है फिर अरावली का चोटी गुरु शिखर है ये आबू पहाड़ी, पहाड़ी पर स्थित है आबू पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध मतलब धर्मस्थल था दिलवाड़ा का जैन मंदिर जबकि अन्य शिखर कुंबलगढ़ है और भी शिखर है अरावली का कुंभलगढ़ भी अरावली का हिस्सा है अब मेवाड़ का पठार तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है मेवाड़ पठार अरावली के अरावली को मालवा के पठार से अलग करती है मेवाड़ का पठार याद रखेगा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान मालवा का पठार अरावली को अलग करता है मेवाड़ का पठार यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है बनास नदी चंबल के महत्वपूर्ण सहायक नदी है अब मालवा पठार देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश के विशाल चट्टान से निर्मित मालवा का पठार है मालवा का पठार राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं यही मालवा पठार को मध्य प्रदेश में मालवा पठार लेकिन राजस्थान में इसको हाड़ौती हा डौती पठार कहते हैं इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन श्रेणी से उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र इस सब तक के है और पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक के है यही मेवाड़ अलग कर रहा था न अरावली और मालवा को यही मालवा को राजस्थान में हावड़ी हड़ौती पठार कह रहे थे आगे देखिए यह मालवा पठार जो है वैशाल चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मिट्टी का विकास हुआ है और कपास की कृषि के लिए उपयोगी है फिर उसके बाद न चंबल नर्मदा और ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदी है और चंबल नदी घाटी जो है अब निलिका पर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है इसको बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं अब हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड का पठार इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच एम और यूपी में है इसके अंतर्गत यूपी के सात जिला आता है जालौन झांसी ललितपुर चित्रकूट हमीरपुर बांदा और महोबा मध्य प्रदेश के आठ जिला दतिया निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना दमोह सागर विदिशा आता है बुंदेलखंड के पठार में ये सब आता है यूपी के सात जिला और एमपी के आठ जिला यहाँ की ग्रेनाइट और नीच चट्टान अपक्षय और प्रदन की दृष्टि से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है बुंदेलखंड में फिर बुंदेलखंड के पठार में यमुना के सहायक चंबल नदी के द्वारा बने जो महाखड्डा है उसको उत्खात भूमिका प्रदेश कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है इसीलिए मतलब आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बखेलखंड का पखाड़ है केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है बुंदेलखंड और बखेलखंड देख लिए ना बघेलखंड हो गया एम और छत्तीसगढ़ के बीच में और बुंदेलखंड हो गया एमपी और यूपी के बीच में यूपी आता है Osionfish. अब विंध्यन श्रेणी देख लीजिए विंध्यन श्रेणी इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश यूपी बिहार छत्तीसगढ़ तक के हैं विंध्यन मध्य प्रदेश यूपी बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं इसको विंध्यन श्रेणी को बिहार में कैमूर हिल कहते हैं और जोबट जोबट हिल किसको कहते हैं तो इसी को विंध्यन श्रेणी को गुजरात में विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा से अलग करता है नर्मदा अलग करता है विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों का एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल पर्वत कैमूर पारसनाथ ये सब, सब आता है इसी में विंध्यन श्रेणी में आता है श्रेणी है मतलब इसके अंतर्गत और भी पहाड़ी अब लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मतलब ये चट्टान इसमें मिलता है तो धात्विक खनन संसाधन की दृष्टि से अभाव आभा, है नहीं मिलता है परंतु भवन निर्माण के लिए पदार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विंध्यन श्रेणी जो है यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक भी है क्योंकि यहाँ गंगा नदी के अपवाद क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र को अलग करता है विंध्यन श्रेणी अब हम लोग देखेंगे सतपुड़ा भारत के बीच में है जिसका विस्तार गुजरात से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर पठार तक के या है यह पश्चिम में राज पश्चिम से पूरा राज पीपला पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी मैकाल तक के फैला हुआ है सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा धूपगढ़ी तेरह सौ पचास मीटर ऊंचा महादेव पर्वत पर स्थित है मैकाल श्रेणी के सर्वोच्चोटी अमरकंठक दस सौ पैंसठ मीटर ऊंचा है यह नर्मदा और सोन नदी का उद्गम यहीं से होता है अमरकंटक से दस सौ पैंसठ मीटर ऊंचा है ना मैकाल का ऊंचा चोटी है अच्छा सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट और बैशाल चट्टान से हुआ है यह नदी नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करता है सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती को बांटता है पूर्वी पठार तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है देखिए कौन कौन है कुछ था पूर्वी पठार में पूर्वी पठार में आ जाइए तो छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ बेसिन महानदी दंडकारण्य का पठार ये सब पूर्वी पठार है पहले देखते हैं छोटा नागपुर पठार तो ये झारखंड में है इसके अलावा दक्षिणी बिहार उत्तरी छत्तीसगढ़ बंगाल का पुरुलिया जिला उत्तर उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में आते हैं इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी उत्तर में हजारीबाग का पठार दक्षिण में रांची का पठार तीनों संरचनाओं का संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार में शामिल किया जाता है तीनों को मिला के दामोदर नदी देख लीजिए कि दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार सबसे बड़ी नदी है यही दामोदर नदी दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल जो है वो छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा चोटी है यह जैनियों का भी प्रसिद्ध स्थल है पारसनाथ हिल रांची के पठार से निकलने वाला एक स्वर्ण रेखा नदी है वो छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है रांची के समीप इस नदी पर हुरू जलप्रपात भी है रेखा नदी पर फिर छोटा नागपुरी पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित स्थलाकृति मिलता है या द्वाप द्विपीय स्थलाकृति जिसको भूमि कहते हैं भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्खीट भूमि उत्खे उत्थित भूखंड का उदाहरण होता है अब छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन देखते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है जिसका निर्माण अवलन या धसाव की प्रक्रिया से हुआ है छत्तीसगढ़ बेसिन का छत्तीसगढ़ <glowing> बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है यानी छोटा नागपुर को जो पठार रांची पठार को अगर कहेगा कि दंडकारण्य से अलग कौन करता है तो छत्तीसगढ़ बेसिन स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर के पठार रांची पठार से अलग होता है यहाँ पर महानदी और उसकी सहायक नदी शिवनाथ नदी महानदी के सहायक नदी देखिए कौन कौन है शिवनाथ नदी हंसदो नदी मांड नदी ईव नदी प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ बेसिन जो है कोयला गोंडवाना क्रम की संरचना पाया जाता है कोयला का भंडार मिलेगा खूब अब देखेंगे दंडकारण्य क्षेत्र तो इसमें उड़ीसा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक है दंडकारण्य में कौन कौन उड़ीसा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यह भारत के मध्यवर्ती भाग में है यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ क्षेत्र है खनिज संसाधन लेकिन है इसमें गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्यम क्षेत्र दंडकारण्य पठार है भारत में तीन धातु जो है वो दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में मिलेगा आपको अब आप देखेंगे उत्तर पूर्वी का पठार उत्तर पूर्वी पठार में सबसे पहले देखते हैं मेघालय का पठार तो मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है राजमहल गारो गैप और मालदा गैप के द्वारा ये अलग हुआ था इस पठार में है मेघालय के पठार में कि पश्चिम से पूरब की ओर जैसे पश्चिम की ओर है गारो उसके आगे पश्चिम पूरब में खासी उसके पूरब में जयंतिया फिर मीकीर ये सब पहाड़ी अवस्थित है जो प्राचीन चट्टान से बना हुआ है, हुआ है। गारो खासी जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली कुछ जनजाति भी है ये पहाड़ी भी है और जनजाति भी है इसी नाम से खासी पर्वतीय क्षेत्र जो है ये कीप रूपी स्वरूप को अवस्थित होने में यहाँ हाँ खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप है यानी खासी जो पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है ना वो कीप की तरह है तो इसीलिए यहाँ औसत वार्षिक वर्षा ज़्यादा होता है यही कारण है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिन राम और चेरापूंजी है जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कीप के समान है वहाँ खासी फिर आगे देखिए यह धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग जो रेंज है सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए शिलोंग का पठार के नाम से भी जानते हैं इसको इसी क्षेत्र में सबसे ऊंचा चोटी नोकरेक है जो मेघालय में अवस्थित है औसत वर्षा से अधिक होने के कारण मतलब अधिक वर्षा होता है इसीलिए लेटराइट मिट्टी और सदाबहार वनों का विकास हुआ है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप देखते हैं तो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप इसका उत्पत्ति भारत के प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव के प्रक्रिया कारण हुआ इनके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत और मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है मालदा गैप के कारण कोची कोची अलग होता है तो राजमहल पर्वत छोटा नागपुर वाला और मेघालय के गारो पर्वत यानी राजमहल और गारो को अलग करता है इसलिए राजमहल गारो गैप कहते हैं इसको हाँ इसीलिए राजमहल और गारो कहते हैं क्योंकि दोनों को अलग कर रहा है माल